हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिव ओम क्लासेस। आज हम जो मुद्दा पढ़ने वाले हैं वो उसको आप भलीभांति जानते हैं, वो क्या है, विकृत गंधिता या फिर रैंसिडिटी क्या होती है। टॉपिक शुरू करने से पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए हो, जैसे नोट्स हो गए, मॉडल पेपर हो गए, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हो गए, आपकी जो एनसीईआरटी बुक चलती है उसकी पीडीएफ हो गई, वीडियोस हो गए, आपके जो पिछले एग्जामों के अंदर जो क्वेश्चन पेपर आ रखे हैं उसकी पीडीएफ हो गई, वो सब कुछ अगर आपको फ्री के अंदर चाहिए हो तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी ऐप है, वो डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। रैंसिडिटी क्या होती है या विकृत गंधिता क्या होती है। देखिए, अक्सर आपने देखा होगा कि कोई चीज़ जो होती है वो थोड़े टाइम तक, यानी कि दो चार दिन तक आप उसको रख देंगे तो उसके अंदर से क्या है, बदबू आने लग जाती है। बदबू आने लग जाती है तो हम उसको बोलते हैं कि ये जो चीज है ये बासी हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से बदबू आने लगती है और ऊपर से उसके ऊपर एक वाइट कलर की एक लेयर चढ़ जाती है, एक वाइट कलर की लेयर चढ़ जाती है। ये जो चीज है, ये जो प्रक्रिया है, इसी को हम बोलते हैं विकृत गंधिता या रैंसिडिटी बोलते हैं। ये क्यों होती है, देखिए इसका कारण देखिए। कोई भी तेलीय चीज जो होती है, यानी कि ऐसी कोई भी चीज जिसके अंदर तेल का प्रयोग किया गया है, जैसे हम सब्जी बनाने के लिए तेल का प्रयोग करते हैं, अगर आप सब्जी को दो चार दिन के लिए रख देंगे तो उसके अंदर से बदबू आना शुरू हो जाएगी। तो जो तेलीय चीज है या फिर वसायुक्त जो चीज है, ऐसी कोई भी चीज जिसके अंदर क्या है, वसा है, फैट है, ये तो क्या हो गया, ऑयली चीज, और ये क्या हो गया, फैट। जिसके अंदर फैट है या फिर कोई ऑयली चीज है तो इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण क्यों हो जाता है सर? ऑक्सीकरण का मतलब ये जो चीजें होती हैं ये वायुमंडल के अंदर जो गैस होती है, जैसे ऑक्सीजन हो गई, उससे क्रिया करके और उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, और उसकी वजह से इसके ऊपर, जैसे ये मान लो ये खाने की चीज है, ये ऑयली चीज है, यहां पे ये वाला जो हिस्सा है, यहां पे जो तेल है, ये क्रिया कर लेगा किससे, ऑक्सीजन से या फिर अन्य गैस मान लो, ये क्रिया करके और यहां पर एक परत जमा कर लेता है, जैसे जो व्हाइट कलर की जो परत दिखती है ना, सफेद कलर की परत, सफेद कलर की जो परत जम जाती है वो इसके कारण जम जाती है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है और इसकी वजह से यहां पर जो व्हाइट एक लेयर जमा हो जाती है और इसके अंदर से इस क्रिया के कारण क्या होता है, बदबू आना शुरू हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं जो चीज जो है वो बासी हो गई। बासी का मतलब दो चार दिन जब हो जाते हैं किसी भी चीज को तो वो हम उसको बासी की संज्ञा देते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जो है विभिन्न प्रकार की क्रिया होने की वजह से कीटाणु और ये सब जमा हो जाते हैं, क्योंकि उसको खाने के लिए बाहर से कीटाणु भी तो हैं, वो भी तो आएंगे, तो इसकी वजह से हम इसको नहीं खाते हैं। ये जो क्रिया है इसी को हम क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी, यानी कि विकृत गंधिता। अब सर अगर आप परीक्षा में आ जाए तो आप इसको किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, तो उसके लिए मैंने आपके लिए परिभाषा लिखी हुई है, वो परिभाषा आप वहां पर लिख देना। विकृत गंधिता या रैंसिडिटी क्या होती है, जब वसायुक्त या तेलीय खाद्य सामग्री अधिक वक्त तक रखा रह जाता है तब उसका स्वाद अथवा गंध क्यों बदल जाती है। अगर आप गलती से इसको खाएंगे तो वो जो नेचुरल स्वाद है वो नहीं आएगा और इसके अंदर से बदबू भी आने लग जाएगी, जब इसको काफ़ी लंबे टाइम से अगर इसको रख दिया जाए, जैसे सब्जी जो है गर्मी के टाइम में अगर उसको आप दो दिन भी रख देंगे तो उसके अंदर से इतनी भयानक बदबू आएगी कि आप उसको टच भी नहीं करेंगे। क्यों करेंगे, क्यों नहीं करेंगे वो देखिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उपचयित, यानी कि उपचयित क्या होता है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडाइजेशन, ऑक्सीडेशन होने पर तेल
तथा वसा विकृत गंदी हो जाती है, यानी कि रेंसिडिटी हो जाती है। कौन हो जाती है? एक तो तेलीय जो चीजें होती हैं वो, और एक वसायुक्त जो चीजें होती हैं वो विकृत गंदी हो जाती हैं, और उनके स्वाद एवं गंध बदल जाते हैं। सामान्यतः तेलीय एवं वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण रोकने वाले पदार्थ प्रतिऑक्सीकारक होते हैं। प्रतिऑक्सीकारक मतलब यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है और हमें इसको रोकना है, तो इसके प्रति कौन काम करेगा? प्रतिऑक्सीकारक जो चीज होती है वो इसके विपरीत काम करते हैं। यानी कि ये जो ऑक्सीकरण की जो क्रिया हो रही है, जो अभी हमने यहां पे समझी थी कि यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इसको अगर रोकना है कि ये ऑक्सीकरण इसके ऊपर ना हो, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर प्रतिऑक्सीकारक यूज करेंगे। जो वसायुक्त या तेलीय जो चीजें हैं उस पर ये घटना ना हो, रेंसिडिटी ना हो, विकृत गंधिता ना हो, तो यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण हमें रोकना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रतिऑक्सीकारक, यानी कि वे अवयव या वे पदार्थ जो ऑक्सीकरण की घटना को होने से रोकते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, प्रतिऑक्सीकारक। तो यहां पे हम क्या यूज कर रहे हैं, प्रतिऑक्सीकारक यूज कर रहे हैं, मिश्रित किए जाते हैं। अगर जैसे कोई तेलीय चीज है जो हम बना रहे हैं उसके अंदर हम प्रतिऑक्सीकारक अगर यूज कर लेंगे तो वो ऑक्सीकरण की घटना को नहीं होने देंगे, जिसकी वजह से वो खराब नहीं होंगे। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री को रखा जाता है। अक्सर हम जो देखते हैं कि जो टिफिन होता है खाना रखने का, वो क्या होता है, वायुरोधी होता है। वायुरोधी होता है इसका मतलब क्या है, जैसे ये वसा युक्त जो चीज थी, ठीक है, अगर हम इसका कॉन्टैक्ट वायु से होने ही ना दे, ऑक्सीजन के संपर्क में अगर ये आएगा ही नहीं तो ये ऑक्सीकरण कैसे होगा, तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, वायुरोधी बर्तन के अंदर रख देंगे, जिससे इस चीज का और वायुमंडल के अंदर जो ऑक्सीजन है या वायु का जो कॉन्टैक्ट है ये इससे नहीं होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ऑक्सीकरण की घटना हो रही है ये नहीं होगी। और जब ये घटना नहीं होगी इसका मतलब क्या होगा, ये जो पदार्थ है ये खराब नहीं होगा, रेंसिडिटी की जो प्रक्रिया है, विकृत गंधिता की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे संपन्न नहीं होगी। तो इसलिए क्या करते हैं, बर्तन जो हम लेते हैं जिसके अंदर हम खाद्य सामग्री रख रहे हैं वो कैसा लेंगे, वायुरोधी, यानी कि उसके अंदर जो वायु है वो अंदर नहीं जा सके, ताकि वो उसके जो उपचयन की जो क्रिया है यानी कि जो ऑक्सीकरण की जो क्रिया है, ऑक्सीडेशन की जो क्रिया है, जो रिएक्शन है वो धीरे हो जाएगी, मंद हो जाएगी। क्या आपको मालूम है कि चिप्स बनाने वाले चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन निकालकर उसमें नाइट्रोजन डाल देते हैं। अब बात आती है कि सर जो चिप्स के पैकेट होते हैं, चिप्स जो होती है, मान लो ये चिप्स है ना, ऐसी होती है चिप्स, मान लो ये चिप्स है। अब सर ये तो इसके अंदर तो फैट भी होता है यानी कि वसा भी होती है और ऑयल भी होता है, दोनों चीज है इसके अंदर, ये तो खराब नहीं होती, ये तो काफी लंबे टाइम तक चलती है। इसका कारण क्या होता है, एक तो इनकी जो थैली होती है वो बिल्कुल पैक होती है, ठीक है। अब ऑक्सीकरण जो हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है सर, ऑक्सीजन के कारण हो रहा है, जो वायुमंडल के अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी वजह से हो रहा है। अब इस थैली के अंदर भी ऑक्सीजन होगी, तो ये पैकेट पैक करने से पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर जितनी भी ऑक्सीजन है उसको तो निकालते हैं बाहर। अब इस पैकेट के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, केवल ये चिप्स हैं। अब ये लंबे टाइम तक रहे इसके लिए हम इसके अंदर क्या मिला देते हैं, नाइट्रोजन। तो जो चिप्स का पैकेट होता है उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन। ये बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है कि चिप्स के जो पैकेट होते हैं जिसके अंदर वो चिप्स को खराब होने से रोकते हैं, तो उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है। तो ऑक्सीजन को निकाल लिया जाता है और नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन निकालकर उसके अंदर नाइट्रोजन भर दी जाती है।
नाइट्रोजन भरने का क्या कारण है? ताकि उसके अंदर ऑक्सीडेशन जो है, ऑक्सीकरण जो है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने ऑक्सीजन को तो पूरा निकाल लिया उसके अंदर से, और वो एक लंबे टाइम तक टिक सके उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन भर देते हैं, जिसकी वजह से रैंसिडिटी की जो प्रक्रिया है वो उसके ऊपर संपन्न नहीं होगी। अगर आपने चिप्स का पैकेट फाड़ लिया और उसके बाद चिप्स को बाहर रख दिया, तो थोड़े दिन के बाद, हो सकता है थोड़े समय के बाद, उसके अंदर से बदबू आना शुरू हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि वो अब वायुमंडल की जो ऑक्सीजन है उसके कॉन्टैक्ट में आ जाएगी। अब उसके अंदर ऑयल भी है और फैट भी है, उसकी वजह से विकृत गंधिता की जो घटना है वो वहाँ पर संपन्न हो जाएगी, और उसके ऊपर एक वाइट सी लेयर चढ़ जाएगी, उसके अंदर से बदबू भी आना स्वाभाविक सी बात है। उसमें नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस भर देते हैं, जिससे कि चिप्स का उपचयन हो सके। तो इस प्रकार से जो चिप्स का पैकेट होता है उसके अंदर से ऑक्सीजन को निकाल लेंगे और उसके अंदर नाइट्रोजन भर देंगे। अब एक क्वेश्चन है जो काफी ज्यादा पूछा गया है परीक्षाओं के अंदर, वो भी देख लो, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जो मैंने आपको बात बताई है वही है, विकृत गंधिता का अभिप्राय क्या है? रैंसिडिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, रैंसिडिटी का मतलब क्या होता है, जो वसायुक्त या फिर जो ऑयली चीज है, तेलीय युक्त जो चीजें हैं, उसका ऑक्सीकरण हो जाना, यानी कि उसका ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आके क्रिया कर लेना, जिसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण बोल देंगे। तो देखिए, एडिशन ऑफ नाइट्रोजन गैस, नहीं भाई, नाइट्रोजन गैस तो हम चिप्स का जो पैकेट होता है उसके अंदर ऐड करते हैं, और वो क्यों ऐड करते हैं, ताकि विकृत गंधिता की जो ये घटना है वो वहां पर घटित ना हो, ये तो हम उसको रोकने के लिए करते हैं। रिडक्शन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन फूड, खाद्य पदार्थों में उपस्थित वसा या तेल का अपचयन। अपचयन थोड़ी होता है, मैंने क्या बोला था, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन फूड, खाद्य पदार्थों में उपस्थित वसा तेल का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है। इसलिए, और रिमूवल ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट्स, प्रतिऑक्सीकारक का निष्कासन। प्रतिऑक्सीकारक तो उसके अंदर मिलाए जाते हैं ताकि रैंसिडिटी ना हो। अभी मैंने बात की ना, प्रतिऑक्सीकारक क्यों मिलाए जाते हैं, ताकि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया ना हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विकृत गंधिता का अभिप्राय क्या होता है, तेलीय या फिर जो वसायुक्त जो चीजें हैं उसका ऑक्सीकरण होना क्या कहलाता है। तो देखिए, खाद्य पदार्थों में उपस्थित वसा तथा तेल का ऑक्सीकरण होना क्या कहलाता है, विकृत गंधिता या फिर रैंसिडिटी कहलाता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर देंगे। तो इस टॉपिक में इतना ही था, सिर्फ हमारे को ये पढ़ना था कि विकृत गंधिता क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है। परिभाषा आप सीधा सा लिख देना कि भाई, तेलीय या वसायुक्त जो चीज़ें होती हैं वो वायुमंडल के संपर्क में आकर ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण की क्रिया कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो खाद्य सामग्री है उसके ऊपर एक वाइट लेयर चढ़ जाती है, एक वाइट परत चढ़ जाती है, सफ़ेद कलर की परत चढ़ जाती है, और उसके अंदर से दुर्गंध आने शुरू हो जाती है। इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, विकृत गंधिता या फिर रैंसिडिटी बोला जाता है। उदाहरण भी बता देना। और साथ में एक चीज और याद रखना, जो चिप्स के पैकेट होते हैं उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो चिप्स के पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, और उसके अंदर से बाहर कौन सी गैस निकाली जाती है, ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि वो जो चिप्स है वो ऑयली है, वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके और वहां पर क्या कर लेगी, रैंसिडिटी, विकृत गंधिता, अब जो क्रिया होती है वो कर लेगी, जिससे वो चिप्स खराब हो सकती है। इसलिए ऑक्सीजन को तो बाहर निकाल लेंगे और उसके अंदर क्या भर देंगे, नाइट्रोजन भर देंगे। एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा ही दिया। फिर भी अगर ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर भी लिख लो, कोई और दिक्कत हो तो भी कर लेना मैसेज, क्या दिक्कत है। 8696608541 हमारे व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर लेना कभी भी, कोई भी दिक्कत हो, जैसे नोट्स वगैरह कुछ चाहिए हो व्हाट्सएप पे, या किसी चीज़ में अगर फंस गए हो, भाई ये चीज़ तो मेरे को आई नहीं रही, मैसेज कर लेना, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी ऐप है,
वो तो आप डाउनलोड करके ही रखना, उसके अंदर तो आपकी क्लास का सब कुछ आपको फ्री के अंदर मिल जाएगा, वीडियोस वगैरह, मॉडल पेपर, नोट्स वगैरह, सब कुछ जो भी आपको जरूरत पड़ती है वो सभी चीज़ें इसके अंदर मिल जाएंगे। और बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर ऐड कर लो। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।